स्वागत है एक और न्यू एपिसोड में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सुबह सुबह का नजारा जो मेरे रूम से दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या व्यू मिल रहा है। और उसके साथ दिखाती हूँ एक और बढ़िया सी चीज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वहां पे है हमारी स्नो कैप माउंटेन्स, और जहां पे वो है वहां हमें जाना है। और आज का हैवी स्नोफॉल का फोरकास्ट है, मतलब आज का जो डे है वो हमारा बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आज का फोन कौन सा है मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी वो डिवाइस मेरा चार्ज हो रहा है, कैमरा फोन है ये, मैं बता रही हूँ आपको अभी ही। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हमारा जो ट्रिप है वो भी एक्साइटिंग रहेगा। और कैमरा डिवाइस यूज करने वाली हूँ मैं, पॉपुलर वाला, तो उसके साथ हम पूरा इंजॉय करेंगे। ये जो एक्चुअल में ट्रेवल टेक सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, ये काफी टायरिंग हो जाती है यार। मतलब जो हो रहा है, नेचुरल कंडीशंस जैसे भी है, जो टेम्परेचर, जितना भी ठंड है, जितना भी रिस्क है, वो सब कुछ मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, अनस्क्रिप्टेड सब कुछ। एक्चुअल में नेचर को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, और पहाड़ों पे जहां पे मैं हूँ और जहां मैं आगे जा रही हूँ वहां वेदर की प्रिडिक्शन मतलब वैसे ही करना मुश्किल होता है और रिस्की काफी ज्यादा है। ये सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और आज का जो फोन है उसको भी हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। कैमरा डिवाइस है, तो दिखाती हूँ मैं आपको अपना कैमरा डिवाइस, चार्ज हो रहा है और डिवाइस है हमारा मोटोरोला का मोटो एच 30 अल्ट्रा। तो आज हम 200 मेगापिक्सल को एंजॉय करेंगे और देखेंगे हमें कैसे मिलते हैं सैंपल, एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा, मतलब रियल लाइफ में बाहर कहीं ट्रेवल करने में एक्चुअल में डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है, सारी चीजें टेस्ट करेंगे। बस अभी थोड़ा सा चार्ज हो जाए डिवाइस, फुल हो जाए 100%। और एक्चुअल में टायरिंग ये भी हो जाती है चीज ना, कि कल जैसे रात को मैंने अपना व्लॉग खत्म किया था, अपना जो आईफोन 14 प्लस में यूज कर रही थी, उसमें से मैंने सिम निकाल के इसमें डाली, अपनी सारी डाटा ट्रांसफर करा इसके अंदर, फिर इसको चार्जिंग में लगाया। तो ये सारी चीजें रात रात में करनी पड़ती है कि अगले दिन का स्टार्ट होगा मेरा जो मैं टेस्ट करूंगी फोन। तो रिस्क भी ले रही हूं मैं, ठंडी जगह पे भी हूं आपके लिए, आपको यहाँ की शॉर्ट्स भी दिखाऊंगी कई सारे, और उसके साथ आपके फोन को मैं एज अ यूजर यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चले सब कुछ फोन के बारे में। तो ये स्पेशल चीज है आप लोगों के लिए। तो डिवाइस हमारा 100% पे फुल चार्ज हो गया है और 8:30 बजे का टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास। अब फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट, भूख लगी हुई है तेज। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीरोल टाइप वीडियो मैंने लिया है जिसके अंदर फोकसिंग आप देख सकते हैं कि हमें काफी स्लो मिलती है और वीडियो हमारा इतना स्मूथ नहीं आ रहा। कलर्स आप देख सकते हैं कि ओवर सैचुरेटेड आपको लगेंगे। और यहाँ पे जो मैंने सेम इसी खाने के जो मैंने पिक्स ली है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वीडियोस में काफी ज्यादा कलर्स को बूस्ट किया हुआ है, हालांकि जो मैंने सेल्फी पिक्स ली है उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दिक्कत आ रही है। मतलब जो हमारे मोटोरोला के छोटे बजट के डिवाइसेज हैं उनके अंदर भी ये चीज होती है कि सनलाइट में कहीं कहीं जगह पे ब्लोन करता है, कहीं कहीं जगह पे सही लेता है पिक। सो गाइस निकलने लगी हूँ मैं, गाड़ी पैक हो गई है, बस चल रहे हैं। और अभी एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो मोटोरोला मैं यूज कर रही हूँ अभी 2.5 घंटे में, डिवाइस को मैंने जैसे यूज नहीं किया, चार्जिंग से जस्ट हटाया था, बाकी काम कर रही थी, इसमें 4% बैटरी अभी लग गई है। अभी आगे क्या होगा, पूरा दिन ये चलेगा नहीं चलेगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्राइमरी फोन है ये, देखते हैं बताती हूँ, अभी निकलते हैं फटाफट से। चलो सो गाइस किन्नौर में हमने एंटर कर लिया है। बस जहां पे मैंने स्टे किया था अपने होटल में वहां से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे ही था, और अब हम किन्नौर वैली में एंटर कर चुके हैं। वैली आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, और ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको स्नो कैप माउंटेन्स भी दिखेंगी। जा रहे हैं वहीं उसी साइड उसी तरफ। सड़कें आप देख रहे हो गाइस कितनी पतली सड़कें हैं, और उसमें ये है कि झरना आ गया है यार। हमारा फर्स्ट वॉटरफॉल आ गया है और मैंने सोचा फटाफट से एक स्नोमो बनाया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉटरफॉल का मैंने यहाँ पे एक स्लोमो बनाया था, और क्वालिटी आप देख सकते हैं आपको कैसी मिल जाती है। और इसके साथ
200 मेगापिक्सल की भी मैंने यहाँ पे पिक्स क्लिक करी थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी सनलाइट नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरे के अंदर पिक्स भी काफी अच्छी मिल जाती है, बैक कैमरे में पिक्स आपको यहाँ पे काफी सही वाली मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैरियर लगा दिया गया है। पहले क्या होता था, हम जो आते थे ना यहाँ पे, तो हम अपनी गाड़ी को धोया करते थे, अभी बैरियर है तो आगे गाड़ी जा नहीं सकती। मैंने सोचा था थार को भी धोएंगे, बट वो नहीं धुल पाएगी, बाकी गाड़ियां खुली हुई है। अब फोटोग्राफ खींच लिया हमने, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे और भी हमारी मिल जाते हैं कई सारे वॉटरफॉल। सो गाइस, यहाँ पे हमने एंट्री करा ली अपनी, और यहाँ पे आपको अपनी अपने नंबर देना होता है, अपनी घर वालों का नंबर देना होता है, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वो आपको मतलब कॉन्टेक्ट कर सके, आपके घर वालों को बता सके। एड्रेस और गाड़ी की डिटेल भी यहाँ पे दी जाती है। ये है हमारा फेमस किन्नौर का गेट, जो आप देख सकते हो मेरे पीछे, और ये पूरे पहाड़ को बीच में से काट के बनाया गया है, इसमें कुछ फोटोग्राफ लेना तो बनता ही है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक को, ये मैंने 200 मेगापिक्सल वाले पिक ली है, जिसके अंदर अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जूम करने में भी आपको डिटेलिंग काफी सही वाली मिल रही है, मतलब बैक में जो रॉक्स आ रही है उसका जो टेक्सचर है वो भी आपको यहाँ पे बढ़िया वाला मिल जाता है। और सेल्फी की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैक में मेरे सन नहीं आ रहा है, सनलाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सेल्फीज हमारी ठीक आ रही है, अच्छे बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ कैप्चर कर पा रहा है। साथ ही देखिए, देखने में डिवाइस जो है हमारा ये काफी डिसेंट लग रहा है, मतलब ज्यादा बल्की फोन नहीं लग रहा, पैनल हमारा कर्व्ड है, डिस्प्ले हमारा कर्व्ड है, इन हैंड फील की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको सॉलिड और प्रीमियम वाली मिल जाती है। कल रात की पराठे थोड़े बच गए थे, मैंने खाए नहीं थे, एक्चुअली ठंडे हो गए थे, मैंने सोचा काओ बैठी उसको खिला देती हूँ फटाफट से। जीपीएस ऑन कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, रस्तों पे कई बार कई जगहों पे बोर्ड्स नहीं होते हैं, तो कहीं आप कोई किसी गलत टर्न में ना चले जाएं, तो बेटर है कि ऑन रखेंगे तो आपका ही फायदा है। तो गाइस, शूटिंग एरिया काफी सारा पार हो गया है, और अभी टाइम लगभग हमारा 3 बजने वाले हैं, 3:30 हो रहे हैं, और डिवाइस मेरा आ गया 64% पे। पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं, एक्चुअली चक्कर आने लग गए, इतने ज्यादा देर से भूख लग रही थी, तो कुछ खाते हैं, देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कॉलिंग और नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं इस डिवाइस के अंदर अभी यूज कर रही हूं, तो कॉलिंग में मुझे यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इवन जैसे इंटरनेट से मैंने यहां पे जो कनेक्ट किया हुआ है व्हाट्सएप के लिए या सॉन्ग्स के लिए, तो उसमें भी मुझे यहां पे कोई दिक्कत देखने को अभी तक तो नहीं मिली है। ये इसका जो डिस्प्ले है ना, ये बहुत ही ट्रिकी सा है, मतलब क्या होता है बीच बीच में ना, जैसे मैं फोन यूज कर रही हूँ, अभी कॉल कर रही थी, व्हाट्सएप कर रही थी, तो उसके अंदर क्या है, बीच बीच में ना एकदम डार्क हो जाता है, तो यहाँ अडेप्टिव को मैंने बंद किया है, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगी है, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा डल है, ब्राइटनेस थोड़ा कम है।
अब यहाँ पे कोई रिफ्रेश रेट की दिक्कत नहीं है, रिफ्रेश रेट अच्छा है इसका, काफी स्मूथ है, फास्ट है, लेकिन उसमें दिक्कत इसकी ब्राइटनेस की आ रही है। मतलब जैसे अब यूज करना, आप कॉलिंग ही करनी हो, आपको कुछ भी काम करना है, चैटिंग करनी है, तो उसमें ब्राइटनेस आपको अच्छी चाहिए अगर आप कहीं बाहर हो। देखो आप फुल ब्राइटनेस है ये, और ये हमारा एक्चुअल में मतलब वो बात नहीं आ रही है, उतना ब्राइट नहीं लग रहा है। ऑन करती हूँ ना तो उसमें थोड़ा और स्ट्रगल बढ़ जाता है। मतलब अगर आप मोड्स में शिफ्ट कर रहे हो कहीं पे, आप 200 मोड के लिए जाओगे 200 मेगापिक्सल के लिए, या फिर आप वीडियोस में शिफ्ट करते हो, तो उसके अंदर आपको ना थोड़ी दिक्कत आएगी सनलाइट में देखने में। वैसे यहाँ मैं तेज सनलाइट की बात कर रही हूँ, नॉर्मल सनलाइट में ठीक है दिक्कत नहीं है, लेकिन तेज सनलाइट में दिक्कत आती है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग ना पर्सनल ले लेते हैं कि यार मेरे फोन में तो सही है, मेरे को तो दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे को दिक्कत जो आ रही है, मैं आपको देखो सामने दिखा रही हूँ, और तेज सनलाइट की बात कर रही हूँ, ऐसे कोई अलग सी बात नहीं कर रही हूँ। तो पर्सनल ना हुआ करो, एक्सपीरियंस अपना अपना सबका अलग होता है। खाना आ गया गाइस, फटाफट से खाते हैं और सोते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ और भी पिक्स क्लिक करी थी 200 मेगापिक्सल में, जिनके अंदर आप देख सकते हैं कलर्स आपको काफी नेचुरल मिल रहे हैं, ब्राइट लगेंगी पिक्स आपको, डिटेलिंग काफी अच्छी वाली देखने को मिल जाती है। मतलब जो हम वीडियो ले रहे हैं उनके अंदर तो कलर्स काफी बूस्टेड है, लेकिन पिक्स के अंदर हमारे कलर्स जो है वो न्यूट्रल आ रहे हैं। एक और चेक पोस्ट आ गया है, और यहाँ पे भी अभी हमने अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर दी है, और अब आगे बढ़ते हैं स्पिटी की साइड। यहाँ पे हम स्पिटी रिवर के पास आ गए हैं, यहाँ पे स्पिटी रिवर और सतलुज रिवर एक हो रही है और आगे जा रही है, और ये बहुत ही फेमस स्पॉट है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए, और बहुत तेज हवा चल रही है, तो फटाफट से मैं भी कुछ पिक्स क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाइड एंगल में पिक ली थी, अल्ट्रा वाइड में, उसके साथ नॉर्मल में और 2x में। यहाँ पे जो मैंने पिक्स क्लिक करी हैं, तीनों के अंदर ही क्वालिटी देखी जाए तो हमें काफी अच्छी वाली देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक सोमो और कैप्चर किया था, उसकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी आपको कैसी मिल रही है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे बैक कैमरा का वीडियो सैंपल, 4K 30fps पे मैं ले रही हूँ, सनलाइट में मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हो कि वीडियो क्वालिटी आपको कैसी मिलती है, इवन ऑडियो क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, इसलिए मैं हम रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गाइज ये है हमारा वीडियो सैंपल, सेल्फी वीडियो, और 4K में मैंने लिया है, अभी मेरे सामने सन है, और आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी आपको कैसी मिल जाती है। हवा चल रही है यहाँ पे हमारी तेज, और अभी आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन आपको कैसा मिल जाता है, और इवन अगर मैं सन के अगेंस्ट आ रही हूँ, मेरे पीछे अभी सन ऊपर है वैसे तो, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी मिल जाती है। तो गाइस एक्चुअली क्या है, मेरा ना सर में थोड़ा कंप्रेशन हो रहा है, अभी खाना खाया था पर चाय नहीं पी, मैंने सोचा आगे चलते हैं, आगे जाके कहीं पियेंगे, मैगी वैगी खाएंगे, बट वो तो अभी कहीं नहीं दिखी। लेकिन व्यू देखो आप, ये देखो सामने ये फेमस लूप्स हैं, हेयर पिन बेंड्स हैं यहाँ पे, और बहुत ही एक्चुअल में ना मजा आता है यहाँ पे ड्राइव करने में भी, हालांकि मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंजॉय करते हो पूरी वैली को। आवाज मेरी आपको चेंज लग रही होगी, एक्चुअल में मेरा नाक बंद हो गया, कान बंद हो गए हैं, कान बीच में खुलते बंद होते रहते हैं, लेकिन अभी क्या कि थोड़ा थोड़ा सा ना सर में भी कंप्रेशन सा आ रहा है, तो मैं क्या पहले चिप्स निकालते हैं, थोड़ा सा कुछ नमक खाते हैं या चॉकलेट्स खाते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्रेश किन्नौर एप्पल्स हैं, वो बिल्कुल रेड एप्पल्स। ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये ना नाको के एप्पल्स हैं, मैं इस समय नाको में खड़ी हूँ। सो ये ना नाको के एप्पल्स हैं, आपने सुने होंगे स्पेशल नाको के एप्पल्स होते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। मतलब एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक बारी फंसी थी, तो बहुत दिन मैंने यहाँ पे बिताए हैं नाको में, बहुत सारी यादें जुड़ी है इस विलेज से, लेकिन अभी यहाँ रुक नहीं रही हूँ मैं। सो यहाँ पे ना बहुत ही टेस्टी होते हैं ये एप्पल्स। Thank you.
गाइस अब आने वाला है सबसे खतरनाक जगह, मतलब जो लोग स्पिटी जाते हैं इस साइड से, मतलब उनके लिए सबसे खतरनाक जगह होती है मलिंग नाला। लेकिन पहले के टाइम में ये बहुत खतरनाक वाली जगह होती थी, जिसको होता था कि शाम को पार करना बहुत मुश्किल होता था। वो रहा सामने, और सामने से कोई आ जाता है तो मतलब मुश्किल हो जाता है दो गाड़ियों का निकलना। मतलब यार आप देख सकते हो लाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा है यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक भी इतना कम है कि कई किलोमीटर बाद आपको कोई गाड़ी दिखेगी। इसीलिए एक्चुअल में कहा जाता है कि आपको ना इस एरियाज में रात को या बारिश में या स्नो पर पड़ चुकी हो तो ऐसे नहीं आना चाहिए। मतलब डे टाइम पे आओ, ठीक टाइम पे आओ, ठीक सीजन में आओ, ये बहुत जरूरी है। आप कहीं अगर फंस जाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई हेल्प नहीं मिल सकती आपको। मोटोरोला जो मैं यूज कर रही हूँ उसके अंदर बार बार नेटवर्क जा रहा है, तो कई बार इस रस्ते में गया हुआ है मेरा नेटवर्क, तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है यार, कहीं फंस जाओ ना तो नेटवर्क भी ना हो। सो गाइज फाइनली स्पिटी पहुंच गई हूँ मैं, स्पिटी वैली में। मैं यहाँ पे हूँ टैबो विलेज में और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। वैसे तो मैंने काजा तक जाना था लेकिन एक्चुअल में एक भी गाड़ी नहीं जा रही थी, पूरा ब्लैकआउट था, अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी जैसे मैंने आपको दिखाया था वीडियोस में। और एक्चुअल में ना काफ़ी ज़्यादा टायरिंग भी हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ पैचेस थे, पूरी मतलब रोड ही रफ थी, तो इसीलिए फिर हमने टैबो में ही स्टे लिया है। और अभी चेक इन मैंने कर लिया है, बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पर, टेम्परेचर माइनस में है, तो फटाफट से पहले ना अपने वार्मर्स निकाले हैं, वो पहने हैं और खाना भी मंगवा लिया है। तो पहले कुछ गर्मा गर्म खा लेती हूँ मैं, फिर आपसे बात करती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे 9 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है और भूख लगी नहीं थी, लेकिन सब बंद हो जाएगा इसीलिए जल्दी से मैंने खाना मंगवा लिया। अभी 8:30 हुए, गर्म खाना है, फटाफट से मैं खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ मोटोरोला के बारे में। सो गाइस खाना खा लिया था, आवाज नहीं निकल रही मेरी। सो गाइस खाना खा लिया था मैंने, और उसके बाद ना अभी जैसे जैसे रात हो रही है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा और माइनस में जाता जा रहा है और उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है, मतलब उठा नहीं जा रहा था अभी मेरे से बिल्कुल भी। आज की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग थी। एक्चुअली क्या है, ये छोटा विलेज है हमारा स्पिटी वैली का, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ना कोई ऐसा नहीं कि आपको हीटर्स या ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पे छोटा जो रूम है ये पूरा ठंडा हुआ पड़ा है, मतलब एक्चुअली में बाहर से ज़्यादा ठंडा रूम के अंदर आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे अभी इस समय, तभी मैं ऐसे हुड पहन के बैठी हुई हूँ। और अब अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो ये जो डिवाइस है अभी लगभग 11 बजने वाले हैं और इस समय 30% पे आ गया है। और मैं बताऊँ पूरे दिन में इस डिवाइस के अंदर मैंने अपना मैप्स यूज़ किए थे, उसके बाद मैंने इसमें यूट्यूब पे गाने सुने थे कनेक्ट करके थार के अंदर, लेकिन मैं इसके अंदर ना ऐसे कॉलिंग के लिए या अपने आज मैं व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ नहीं कर पाई हूँ। कैमरा मैंने लगभग आधे घंटे का यूज़ किया था, जो बार बार मैं रुक रही थी, बार बार पिक्स ले रही थी, वीडियोज़ ले रही थी, पूरे दिन में आधे घंटे का ही यूज़ हुआ था। अब एक्चुअली क्या है कि ना जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे नेटवर्क्स जो है बीच बीच में कई जगह पे जा रहे थे, वैसे इस डिवाइस के अंदर नेटवर्क स्ट्रेंथ हमें काफ़ी ओके मिल जाती है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा वैसे जैसे नेटवर्क में मैं कई बार आउट हुई थी तो मैं कॉलिंग के लिए डिवाइस को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई, बहुत ही कम यूज़ किया था। इवन व्हाट्सएप भी आप ना के बराबर ही मान लो, क्योंकि गाड़ी पूरी हिल रही थी बार, मतलब इतने रफ रोड्स थी कि उसमें बस पकड़ा हुआ था मैंने तो थार को कि आराम से बैठ सकूँ, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाई थी। एक्चुअली में थार में क्या है कि रफ एरियाज में अगर आप उसमें बैठे हो ना तो उसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि उसमें तो आप फोन को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो ये मैं वीडियो आपके लिए इसीलिए लाई हूँ ताकि बता सकूँ कि एक्चुअल यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा इस फोन के साथ। और वैसे देखा जाए तो कैमरा वाइज तो मैंने आपको यहाँ पे सारे सैंपल्स दिखा दिए, बैटरी बैकअप मुझे डिवाइस का ये ओके वाला ही लगा, और ज़्यादा कॉलिंग के लिए नहीं यूज़ कर पाई हूँ, वैसे कर पाती, व्हाट्सएप कर पाती, वीडियोस देख पाती तो अलग बात थी। अभी जस्ट मेरा ये जो फ़ोन है सिर्फ मैप्स में ही यूज़ हुआ है और सिर्फ ये यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए यूज़ हुआ था जिसमें मैंने गाने सुन रही थी,
इसका फीचर मुझे बंद करना पड़ेगा। सो ये बस इतना ही मैं इसको यूज कर पाई थी। सो ये था आज का वीडियो। अब ठंड हो रही है काफी ज्यादा, कल हम चलेंगे आगे और ज्यादा एडवेंचरस जगह पे, जो कि शायद हो सकता है कि मैं अपनी किसी ड्रीम लोकेशन पे भी जाऊंगी। कल ही बताऊंगी आपको कल कौन सा फोन यूज करेंगे, वो भी कल ही बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।